गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बेटा। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 12.2 है, 12.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक क्वाड्रिलेटर आपको दिया गया है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर आपको दिया गया है और ये कह रहा है कि उसका जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। एक क्वाड्रिलेटर दिया गया अभी आपको, ये कैसा भी क्वाड्रिलेटर है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। सपोज ये पॉइंट ए है, बी है, ये सी है और ये एंगल सी बेटा आपके पास 90 डिग्री का है। अब बी और डी को अटैच कर देते हैं। साइड्स गिवन है बेटा, ये कह रहा है ए बी की वैल्यू 9 मीटर है, ए बी की जो वैल्यू है वो 9 मीटर है, बी सी की जो वैल्यू है वो 12 मीटर है, सी डी की जो वैल्यू है वो 5 मीटर है और AD की जो वैल्यू है वो 8 मीटर। ये एक क्वाड्रिलेटर की साइड्स बेटा आपको दे रखी है, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकलेगा, हमें पता है हम इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रिलेटर को दो ट्राइंगल्स में हमने डिवाइड कर लिया, BD डायगोनल ले लिया। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया दोनों का एरिया निकाल के अगर हम प्लस कर दें तो कंप्लीट क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी जो है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम प्लस कर दें तो भाई बी सी डी में तो आपको पता ही है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया आप 1/2 बेस क्रॉस साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। बी सी डी का जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1/2 बेस क्रॉस हाइट, बी सी डी का एरिया। ए बी डी का एरिया बेटा, ए बी डी का अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको इसकी तीनों साइड्स चाहिए, तभी आप इस पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये साइड 8 मीटर है, ये साइड 9 मीटर है, तो सबसे पहले आपने बी डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी डी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बी डी की जो वैल्यू है, बी डी की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25 अंडर रूट 169, दैट मीन्स 13 मीटर। हाइपोटेन्यूस की जब हम बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा बेटा। अब ए बी डी ट्राइंगल का एरिया आपने कैलकुलेट करना है, तीनों साइड्स आपके पास है तो बेटा हीरोन्स फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी डी का जब आप पैरामीटर निकालेंगे, ट्राइंगल ए बी डी की हम बात कर रहे हैं, पैरामीटर अगर आप निकालेंगे तो इन तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे हम, 8 + 9 = 17 + 13 पैरामीटर हो जाएगा 30 मीटर। सेमी पैरामीटर बेटा हाफ ऑफ द पैरामीटर विच इज 15 मीटर। एरिया की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस में से आप ए को माइनस करते हैं, 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7, 15 में से आप 9 को माइनस करेंगे 6, 15 में से आप 13 को माइनस करेंगे 2, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं, 15 तो क्या हो जाएगा 3 × 5, 7 एस डी, 6 क्या हो गया 2 × 3, 2 एस डी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे, 6 × 5 = 30। जिसका पेयर कंप्लीट हो रहा है उसको रूट से बाहर ले आओ, 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 30, यानी आ जाएगा 30 + 6 अंडर रूट 35 मीटर। ये हमारे पास बेटा ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा उसमें ये कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट की हम बात करते हैं,
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसकी चारों साइड्स आपको दी गई हैं और उसके साथ साथ एक डायग्राम दिया गया है। बेटा चारों साइड्स आपको दी गई हैं, ए बी की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, बी सी की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, सी डी की जो वैल्यू है ये भी 4 सेंटीमीटर है और ए डी की जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर है एज वेल एज डायगोनल ए सी जो है ये 5 सेंटीमीटर है। आपको कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये एक ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स हमें पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स हमारे पास हैं, क्लोज फॉर्मूला से हम दोनों का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों का एरिया हम प्लस कर देंगे, दोनों का जो एरिया है वो हम प्लस कर देंगे तो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। बेटा प्रिपेयर करना बिल्कुल।